हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयेश की वीडियोस में। आज हम बात करेंगे 51 सेंटेंसेस जो कि आपकी डेली रूटीन में डेली यूज़ होंगे, इंग्लिश सेंटेंसेस। ये फर्स्ट डोज है, डेली आपको हमारी वीडियो मिलेगी वो भी 51 सेंटेंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी रोको, स्टॉप दी कार। सेकंड है, अपने हाथ धो लो को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉश योर हैंड्स। थर्ड है, ऐसा नहीं है, यानी कि इट्स नॉट लाइक दैट। अगला है, क्या मुसीबत है, उसे कहेंगे व्हाट अ बदर। नेक्स्ट है, उधार पर मत खरीदो, यानी कि डोंट बाय ऑन क्रेडिट। अगला है, किसे परवाह है, यानी कि हु केयर्स। नेक्स्ट है, जैसी आपकी मर्जी को क्या कहेंगे, एज यू विश और एज यू लाइक। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी को, एज यू विश या एज यू लाइक। अगला है, तुम जा सकते हो, यानी कि यू कैन गो। अगला क्वेश्चन है, बक बक मत करो, यानी कि डोंट टॉक नॉन सेंस। बक बक मत करो को क्या कहते हैं, डोंट टॉक नॉन सेंस। नेक्स्ट है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, यानी कि आई नीड यू। अगला क्वेश्चन है, मुझे सोचना पड़ेगा, यानी कि आई विल हैव टू थिंक। आई विल हैव टू थिंक, यानी मुझे सोचना पड़ेगा। अगला है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आई डोंट हैव एनी थिंग। मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाइट चालू करो तो क्या कहते हैं, स्विच ऑन दी लाइट। और बंद कर को, लाइट बंद करो को क्या कहते हैं, स्विच ऑफ दी लाइट। आप अगर किसी को कहना चाहते 1 मिनट रुको, तो कहेंगे वेट अ मिनट। नेक्स्ट है, फिर सोचो, यानी कि थिंक अगेन। हो गया समझिए, इसको क्या कहेंगे, कंसिडर इट डन। अगला है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, यानी कि आई डोंट थिंक सो। अगला है, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। क्या तुम तैयार हो, उसे क्या कहेंगे, आर यू रेडी। गुस्सा मत हो, उसको कहेंगे डोंट गेट एंग्री। नेक्स्ट है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, यानी कि व्हाट डू यू मीन। अगलो है, क्या तुम पास हो गए, यानी कि डिड यू पास। नेक्स्ट है, नहीं मैं फेल हो गया, यानी कि नो आई फेल्ड। नेक्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता, यानी कि आई डोंट नो। नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल नहीं, यानी कि नॉट एट ऑल। अगला है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, यानी कि आई हैव अन नो आइडिया। यह तुम्हारा काम है, अगर आप किसी को कहेंगे यह तुम्हारा काम है, तो बोलेंगे दिस इज योर जॉब। अगर आपको कहना है मुझे ऐसा नहीं लगता, तो कहेंगे आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट है, नहीं मतलब नहीं, यानी नो मीन्स नो। अगला है, आप किसी को कहेंगे चुप रहो, यानी कि कीप क्वाइट। नेक्स्ट है, तैयार हो जाओ, यानी बी रेडी। नेक्स्ट है, मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। निश्चिंत रहो, यानी कि डोंट वरी, या कहेंगे रेस्ट अश्योर्ड। नेक्स्ट है, बाहर इंतजार करो, यानी कि वेट आउटसाइड। नेक्स्ट है, भरोसा रखो, यानी कि हैव फेथ। नेक्स्ट है, सावधान रहो, यानी कि बी केयरफुल। केयरफुल को क्या कहेंगे, सावधान। सावधान रहो को क्या कहेंगे, बी केयरफुल।
नेक्स्ट है तुम जरूर मजाक कर रहे होगे, यानी कि यू मस्ट बी जोकिंग। नेक्स्ट है ए रहा, यानी कि हियर इट इज। नेक्स्ट है कोई खास बात नहीं है, नथिंग स्पेशल। रहने दो या जाने दो को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेट इट बी। नेक्स्ट है टाइम क्या हुआ, आप अगर किसी को पूछेंगे टाइम क्या हुआ तो पूछेंगे व्हाट्स द टाइम। नेक्स्ट है आज कौन सा दिन है, व्हाट्स द डेट टुडे। अगर आज रविवार हो गए तो क्या कहेंगे, इट्स संडे टुडे। मेरी बात सुनो, उसे क्या कहें, लिसन टू मी। नेक्स्ट है ठीक है, ठीक है तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, ओके या ऑल राइट, दोनों में से कोई भी कर सकते। अगला, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, कहेंगे मे आई हेल्प यू। नेक्स्ट है कौन है वो, हु इज ही। नेक्स्ट है आराम से बैठिए, अगर आप आपके घर कोई मेहमान आए तो आप कहेंगे आराम से बैठिए, तो प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। नेक्स्ट है बाद में मिलेंगे, उसे कहेंगे सी यू लेटर। अगला है तुम गलती कर रहे हो, यानी कि यू आर मिस्टेकन। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, समय का पालन करो, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप यह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली हमारी वीडियो देखेंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।